हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। तो जानना चाहते हो ये कौन सा सेशन है? आज के सेशन हम सीखने वाले हैं ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी कहाँ कहाँ यूज होता है? जब भी कोई एरर डिटेक्शन आए और वहाँ ईच एंड एवरी हो, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो, कहाँ क्या सही करना है, क्या गलत करना है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो, राइट दोस्तों? सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ आपको ईच एंड एवरी यूज करना है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप ईच एंड एवरी कहीं भी सेंटेंस में आ जाए, आप गलती नहीं करोगे। मैं आपको डेफिनेटली बोलती हूँ कि आप गलती नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो डोंट फॉरगेट टू सी दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ईच को हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं करते, ठीक है। एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, हार्ड भी नहीं है, एकदम इजी है। ईच को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं करेंगे, एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए आप एग्जाम्पल के आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल है, I have each reason, I have each reason to be sad, ठीक है। मैंने ये example लिया, I have each reason to be sad, क्या ये example सही है, ठीक है, ये example गलत है? क्यों गलत है ये आपको भी पता होगा, क्योंकि मैंने आपको ये concept समझा दिया है कि ईच के साथ हम कभी भी क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी ईच यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, एवरी के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, ईच की जगह एवरी राइट, आई हैव एवरी रीज़न, आई हैव एवरी रीज़न टू बी सेड, ओके, I have every reason to be said. तो ये क्या हो गया, करेक्ट, क्योंकि रीज़न क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ करते हैं, ईच नहीं यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, राइट। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा कि ईच के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ नहीं करते, एवरी के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं।